एसएससी जीडी में पिछले साल जो बच्चों ने फॉर्म भरा था और सब कुछ निकालने के बाद मेडिकल तक जाने के बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना आसान नहीं होता जितना आसान आप समझते हो। अगर देखिए आप सही भी हो, ठीक है, मान लीजिए आपके टेंथ के मार्कशीट में कुछ डिटेल्स है और फॉर्म भरते समय कैफे वाले ने गलत भर दिया, तो गलती तो कैफे वाले की है, ठीक है, लेकिन आप प्रमाण करते करते थक जाओगे। लेकिन अगर आपने कुछ गलत भरा है, मान लो कि आपका मार्क्स टेंथ में कहीं 60% है, आपने 70% डाल दिया है, तो उससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। ये सभी के लिए है, जनरल ओबीसी एससी एसटी सब के लिए। अब बात करते हैं रिजर्व कास्ट के लिए, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए, कि उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट का मायने क्या है। देखो एसएससी कभी भी ये नहीं सुनती है, अगर क्रूशियल डेट से पहले फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट से पहले अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो एसएससी का कहना है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देगी आपको। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ये मैं अपने बारे से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपने एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उनका कहना यह है कि क्रूशियल डेट से पहले अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वे आपको रिजेक्ट कर देगी। लेकिन उसका एक उपाय है, जैसे कि आपके पापा का कास्ट सर्टिफिकेट है, आप ओबीसी हो एससी एसटी हो, तो आपके पापा का तो पहले से कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो उस सर्टिफिकेट पर आप अपना बनवाओ और साथ में एक एफिडेविट करवा लो कि किसी कारणवश मैं क्रूशियल डेट से पहले नहीं बनाया था लेकिन मैं इसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अगर पुराना वाला भी है तो चलेगा, 2020, 2019, 2018 का भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो चलेगा। ठीक है, बाद में जब आपकी मेडिकल निकल जाएगा तो एक नया बनवा लेना, साथ में दोनों दे देना। पुराना वाला तो दिखाना ही पड़ता है कि पहले से आप किस कास्ट से बिलोंग करते हुए आपको शो करना पड़ता है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो।